आज हम लोग बहुत प्यारी जगह जैस्पर जा रहे हैं। जैस्पर कनाडा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो कि 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जैस्पर जाते जाते आपको जहाँ भी अच्छा जगह लगे ना वहाँ पे फोटो जरूर खिंचवाए क्योंकि यूनिक प्लेस यहाँ पे अचानक मिल जाते हैं। जैसे जैस्पर एंटर करते ही ये प्यारा सा अच्छा सा जगह मिल गया हमें। इतना बड़ा माउंटेन है ना पीछे पूरा वॉलपेपर सा लगता है फोटो खिंचवाने में। अब यहाँ से चलते हैं नहीं तो लेट हो जाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। यहाँ पे ना कई ट्रैवल बस भी रुक रही है थोड़ी देर के लिए, सबको ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है शायद इसलिए रुक रुक के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जा रहे हैं। जैस्पर बैंड से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे बैंड्स की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हाई माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे, तो मेरा पिछला जो बैंड्स का वीडियो वो भी ज़रूर देखिएगा। अब कार में पेट्रोल भर लेते हैं। कनाडा के पेट्रोल पंप में आपको खुद से पेट्रोल भरना होता है, यहाँ कोई नहीं होता पेट्रोल भरने के लिए। यहाँ का सीन भी बहुत प्यारा है, देखो कितना प्यारा जगह है। आधे माउंटेन में धूप है आधे माउंटेन में शेडो है, तो बहुत ही प्यारा डिफरेंट सा कलर लग रहा है माउंटेन का। थोड़ी थोड़ी देर में ना मुझे बहुत अच्छा अच्छा सीन मिलते जा रहा है। अभी थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं हम लोग, मतलब आधा पूरा पहाड़ चढ़ चुके हैं कार से। ये देखो ये नीचे जो रोड गया हुआ दिख रहा है पतला सा, कितना प्यारा जगह लग रहा है ये भी। मतलब जहाँ जहाँ ट्रैवल बस रुक रही है वहाँ एक बार रुक कर देखो ना, वो जगह परफेक्ट अच्छा ही होता है। तो जब भी आप आओगे ना तो उस जगह जरूर रुक रुक के देखना, क्योंकि अभी मेन जो जगह है वहाँ तो हम लोग जा ही रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं हमको। उस माउंटेन में आगे स्नो दिख रहा है लेकिन अभी स्नो का टाइम नहीं है, फिर भी वहाँ पे स्नो है। मे बी ये ग्लेशियर ही होगा ये जगह जो अचानक से दिख गया हमको, लेकिन इसका रूट चेक करते हैं कहाँ से है। उधर स्नो पे जा रहे थे। माय ड्रीम। कभी तो यहाँ जाना है हमको, रोड नहीं पता चल रहा तो यू टर्न मार लिए, चलते हैं इस साइड तो मिल ही जाएगा रोड, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जगह का नाम है कोलंबिया आइस फील्ड। जगह का नाम पता होना तो रोड इजीली मिल जाता है। जाते जाते एक प्यारा सा सीन दिखा ग्लेशियर टाइप का, तो यहाँ पे हम लोग इस चौक की गाड़ी अभी जा रहे हैं और हम लोग पूरा पैक हो गए हैं, जैकेट पहन के रेडी है ग्लेशियर में जाने के लिए। वहाँ पे स्नो भी होगा थोड़ा बहुत, देखते हैं कितना स्नो है। अभी स्नो का मौसम तो नहीं है लेकिन यहाँ पे अभी भी स्नो जमा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर है, तो बहुत अच्छा फीलिंग है। नहीं तो वैसे तो कनाडा में स्नो का टाइम नवंबर तक का होता है, अक्टूबर लास्ट में भी हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग सितंबर में स्नो का मज़ा लेने वाले हैं। वो जो सामने पतला सा रोड दिख रहा है वहाँ ऊपर पूरा हिल में चढ़ना है हमको। ठंडी तो लग रही है यहाँ पे, बेंस में उतनी ठंडी नहीं थी, यहाँ पे ठंडी लग रही है। चलते चलते हालत ख़राब हो गई, इतने ऊपर पूरा चल के आना पड़ा वहाँ से पूरा। एक तो ठंड भी बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा आइस जमा हुआ है, देखो गाइस अभी से आइस है यहाँ पे। अगर आपको आइस में जाना है ना तो दूसरे साइड से रोड गया हुआ है आइस में जाने के लिए,
यहाँ पे सामने जो आइस दिख रहा है ना, वहाँ पे वॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं है, दूसरे साइड से जाना पड़ेगा। ये स्नो है या क्या है? स्नो नहीं है, बहुत ठंडा है। ये स्नो नहीं है बेटा, उस साइड स्नो है, ये पूरा स्नो फील्ड है सामने, वहाँ पे नहीं जा सकते हम लोग। और ये जो सामने स्नो फील्ड है ना, ये कभी पिघलता ही नहीं है, समर में भी नहीं पिघलता, विंटर के समय से जो जमा हुआ है अभी तक जमा हुआ है। यहाँ एक स्केरी जगह है, कुआं टाइप का है, यहाँ सीढ़ी नहीं है अभी। और इसमें अभी हम लोग जाने वाले हैं। ऊपर से ऐसा गड्ढा टाइप लग रहा था, लेकिन नहीं, ये कुआं टाइप नहीं है, यहाँ से अच्छे से रास्ता गया हुआ है, भले सीढ़ी नहीं है। अब नेक्स्ट जगह पे चलते हैं जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर है, अथाबास्का फॉल्स जा रहे हैं हम लोग। ये देखो बहुत ही प्यारा फॉल है ये। यहाँ पे कुछ नाश्ता वाश्ता करने के लिए बेंच दिया हुआ है, नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे वॉटरफॉल था और अभी है 20 मिनट का वॉक है। यहाँ पे ट्रेल बने हुए हैं जंगल वाले। ये ट्रेल है, यहाँ का ट्रेल जो होता है ना, पूरा जंगल के बीच में ऐसा रास्ता रहता है पतला सा, उसमें बहुत चलना होता है, चलना होता है। टोटल 4-5 किलोमीटर का वॉक है, फिर नीचे झरना है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं चलते चलते, क्योंकि सब जगह यहाँ पे चलना ही होता है, तो हम लोग वापस मुड़ रहे हैं। ये यहाँ से देखो झरना अच्छा दिख रहा है, लेकिन नीचे से सीन और बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं। आपको मैं जाते जाते बहुत ही अमेजिंग जगह दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अब शाम हो रही है, तो शाम को ना माउंटेन का कलर वो डिफरेंट सा, बहुत ही प्यारा सीनरी सा लगता है ये जगह। अगर ड्राइव करते थक गए तो बीच में यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, होटल है इसमें। बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है, यहाँ पे सनसेट होने वाला है, तो कहीं पे भी रुक के फोटो खिंचाओ ना, बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। और ये स्काई वॉक का एरिया है, जो ये आपको ग्लास दिख रहा है राउंड सा, इसमें वॉक करते हैं, नीचे पूरा ग्लास है और नीचे पूरा हाई माउंटेन में वॉक कर रहे हैं, ऐसा डर सा लगता है इसमें। अभी लेट हो गया है तो हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि अंधेरा हो गया है पूरा, तो हमको जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। अगर गाड़ी कुछ हुआ तो फिर पुलिस को भी फ़ोन करके बुला नहीं सकते हैं, नेटवर्क बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, तो जल्दी से हमको इस एरिया से निकलना है, बहुत दूर भी है ये। तो
इसका जो जेस्पर का जो सेकंड पार्ट है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी। एंड और कैलगरी के सारे वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।